हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अब चलो ये क्या है वो अच्छे से समझते हैं। चलो, हम सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बना हुआ है। अब न्यूक्लियस पूरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन है, मतलब जेड इंटू एम पी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहते हैं जेड, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन, वैसे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे एन, तो ये एग्जैक्ट इक्वल टू टोटल मास होना चाहिए, है ना। सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का मास आप मिला दो, टोटल मास कैपिटल एम होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो समझो। जब यूनिवर्स में सबसे पहले न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखने वाली एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या होगा समझो कि जितने भी प्रोटॉन है उन सबका टोटल मास, जितने भी न्यूट्रॉन है उन सबका टोटल मास मिलाया, उसमें से थोड़ा मास निकाल दिया, समथिंग कोई एक्स मास सपोज निकाल दिया, और ये मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और जो बाकी बचा वो टोटल मास मिला न्यूक्लियस का। तो ये जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वही एनर्जी इन सबको बाउंड करके रखती है। देखो, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 ग्राम, दूसरा कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 ग्राम। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया किसी एक बॉन्ड की हेल्प से, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ गया, बॉन्ड। अब हमें पता है कि ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी लगेगी। अब बॉन्ड को सेपरेट करना है, तोड़ना है, तो एनर्जी की ज़रूरत है, तो बॉन्ड खुद एक एनर्जी होगा, एक ऐसी एनर्जी जो ये दो न्यूक्लियस को जॉइंट करके रख रहा है। अब एक्सपेक्टेड क्या था कि ये जो टोटल मास है वो होना चाहिए 7 ग्राम, बट एक्चुअली मिला 6.98 ग्राम। तो टोटल मास कितना था, टोटल मास था 7 ग्राम, तो 6.98 ग्राम क्यों मिला, क्योंकि जो डिफरेंस है 0.02 ग्राम मास, वो मास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में, और वही एनर्जी यहाँ पे काम आएगी ये बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ये तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी कर दिया है, हमारा काम क्या है, अगर मैं इसी न्यूक्लियस को, इसी बॉन्डिंग को तोड़ दूँ और वापस वो दोनों को मैं सेपरेट कर दूँ जिनको हमने बॉन्ड से कनेक्ट किया था, उनको वापस सेपरेट कर दूँ, तो यहाँ पे 1.99 ग्राम मिला, सपोज़ यहाँ पे 4.99 ग्राम मिला, फिर भी हमें ये मास के फॉर्म में तो मिला ही नहीं, तो इसकी क्या हो गई, इसकी बन गई एनर्जी एज पर फॉर्मूला E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। जो मास डिफेक्ट है, मतलब जो चेंज हुआ था मास में, वो कितना था 0.02 ग्राम का, और उसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी बन गई जो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी थी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और एग्जैक्ट उतनी एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करो तो सारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्री हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आएगा मास डिफेक्ट, आपको मास डिफेक्ट निकालना है, मास डिफेक्ट,
डेल्टा एम इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन इन फ्री स्टेट, तो जेड इंटू एम पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन है तो एन इंटू एम एन, और माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे वेयर स्मॉल एन क्या है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मतलब ए माइनस जेड है, और फिर हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी ई इक्वल टू, या तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं ई बी से डिनोट करूँ तो ई बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। चलो अभी जो कंसेप्ट आएगा वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं EBN से। तो ये तो देखो हमें जो पहले मिली थी वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हर एक प्रोटॉन हर एक न्यूट्रॉन को आप सेपरेट करना चाहते हो तो मिनिमम इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, बट अगर पर न्यूक्लियॉन में काउंट करूँ तो एक ही प्रोटॉन को फ्री होने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन किससे डिनोट करते हैं हम एटॉमिक मास की हेल्प से, ठीक है। ओके तो अभी ये ग्राफ देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन टू एटॉमिक मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होते हैं, स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी फटाफट इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं तो एक हम ये रीज़न निकाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और शॉर्ट रेंज फोर्स होता है बट उसकी इफेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस छोटा है तो कोई भी न्यूट्रॉन पूरे न्यूक्लियस के ऊपर अपनी इफेक्ट लगाएगा, अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बना के रखेगा, तो सभी न्यूक्लियॉन ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है, इसीलिए स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फटाफट इंक्रीज होती है। आफ्टर सम टाइम आप ग्राफ में देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 30 से लेके 170 तक ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, फिर न्यूक्लियस की साइज और बढ़ने लगी, न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ने लगी तो अभी जो न्यूट्रॉन है या कोई भी प्रोटॉन है कोई भी न्यूक्लियॉन है वो अपने आसपास नज़दीक के न्यूक्लियॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएगा बट पूरे न्यूक्लियस में नहीं, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो 170 से आगे जाओ तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, 30 से पीछे आओ तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, और रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेट स्टेबल कंडीशन में है, क्यों? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है उसकी हेल्प से हमें क्या क्या जानने को मिलता है, उसके लिए दो फीचर्स दिए हुए, ग्राफ के दो फीचर्स एग्ज़ाम में अलग से आ सकते हैं, तो आपको सबसे पहले डिस्कस करने हैं टू फीचर्स ऑफ ग्राफ। चलो कौन कौन से है? तो एक फर्स्ट है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट फॉर इंडिपेंडेंट, ओके प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। अच्छा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कांस्टेंट है बट हाँ उसमें कंडीशन लिखी हुई है एटॉमिक नंबर जो है वो 30 से लेके 170 तक है, तो ठीक है
वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, इतने पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सेकंड जो है उसमें कहा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होती है, या तो आप 170 से आगे जाओ मतलब हैवी न्यूक्लियस की ओर जाओ, या तो 30 से पीछे मतलब लाइट न्यूक्लियस की ओर आओ। ठीक है, तो लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लोअर फॉर बोथ द लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो ये दो फीचर्स हैं, और वही दो फीचर्स की हेल्प से आपको चार ऑब्जर्वेशंस पढ़ने हैं। चार ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये भी एग्जाम में आ सकता है अलग से। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन एटम के लिए तो इलेक्ट्रॉन के फिक्स एनर्जी लेवल्स थे, अब वो एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या थी याद करो, तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में थी। अब वही चीज़ आप न्यूक्लियस के अंदर देखो, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने फोर्स से बाउंडेड थे उससे कहीं ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बाउंडेड है। यहाँ पे जो फोर्स लगता था बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है बिटवीन न्यूक्लियॉन वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लग रही है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए आपको लिख के दिया है द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ लो ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, चलो तो यहाँ से इतना तो पता चल गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होना ज़रूरी, तभी बाइंडिंग एनर्जी आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। अभी सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 to 170 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे इतने पार्ट में आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलती है, उसका रीज़न है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसे तो समझो, स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियस छोटा था तब बाइंडिंग एनर्जी फटाफट इंक्रीज हुई थी, क्यों, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियन है वो अपने आसपास सभी के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, अगर न्यूक्लियस बड़ा बन गया तो एक सैचुरेशन आ जाएगा जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कांस्टेंट बनेगी, एक हद आ गई जहाँ पे न्यूक्लियॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। बट अगर उससे भी ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस बना तो, ज़्यादा रेडियस वाला, तो अभी ये जो प्रोटॉन है वो अपने आसपास नज़दीक के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएगा, मतलब अभी जो नया न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है वो ज़्यादा बाउंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि सभी प्रोटॉन्स या सभी न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी एक न्यूक्लियॉन की इफेक्ट नहीं होगी, प्लस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में हम टोटल एनर्जी डिवाइड बाय ए करते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंक्रीज होते जाते हैं, उस हिसाब से ये इंक्रीज तो होती है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल इंक्रीज तो होती है बट उतने ज़्यादा रेट से नहीं, मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है बट जो डिवाइड हो रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी है वो पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होगी। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि अंदर जो फोर्स लग रहा है वो
एक न्यूक्लियॉन की वजह से पूरे न्यूक्लियस में नहीं लग पाता। तो मतलब वो फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होना ज़रूरी। ठीक है, फिर एक पीछे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसी के लिए, तो एक बार वो भी अच्छे से समझ लेना, और ना समझ में आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड एंड फोर्थ में आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। देखो थर्ड में क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में है क्या, तो आपको बोला गया है कि एक हैवी न्यूक्लियस है। सपोज एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, उसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फिर मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल सकती है। कैसे सोचो, तो मैं जब भी बोलूं कि न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज हो रही है, तो न्यूक्लियॉन की खुद की एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कोई न्यूक्लियॉन अगर ज़्यादा टाइटली बाउंडेड हुआ है ना, कोई न्यूक्लियॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अगर बाउंडेड हुआ, तो उसकी खुद की एनर्जी डिक्रीज होगी। और खुद की एनर्जी कब डिक्रीज होती है? जब एनर्जी है वो उसने एमिट की हुई है, या तो बोल सकते हो रेडिएट की हुई है, मतलब एनर्जी बाहर मिलेगी। बाहर किसको मिलेगी? तो अगर हम ये प्रोसेस करा रहे हैं तो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और क्यों होती है सोचो। जब मैंने सपोज़ ये यूरेनियम के दो टुकड़े किए, यहाँ पे मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम के मैंने दो टुकड़े किए, तो दोनों टुकड़ों का जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज होगा। मतलब हम इस तरफ आ रहे हैं, और जब हम इस तरफ आते हैं तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज होती है, तो खुद की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी है वो एमिट होगी, मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। और ये जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। सेम वे अगर दो एकदम छोटे छोटे न्यूक्लियस है, उनको मैं कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाऊँ, तो भी मुझे एनर्जी मिल सकती है। कहाँ पे देखो ग्राफ में ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है? तो अगर मैं सपोज़ सन या अलग कोई स्टार की बात करूं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। अब आप हाइड्रोजन से हीलियम की ओर जाओ तो फिर से वही चीज़, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज हुई, तो न्यूक्लियॉन्स की खुद की एनर्जी डिक्रीज हुई, तो उन्होंने एनर्जी है वो रेडिएट की है, तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिल सकती है। और ये प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो ये सारे पॉइंट से अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम रेडियो एक्टिविटी से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लेना, ग्राफ भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना, कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको ग्राफ के ऊपर लिख के दिखाने भी पड़ेंगे, तो वो अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट अगर टेक्स्ट बुक का समझ में ना आए तो भी बोल देना। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।